हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है सबके? तो अभी के बज गए, 10 बज गए, तो बाहर हवन हो रहा है अभी, तो मैं रेडी हो गया हूँ ब्लैक कुर्ता पजामा डाल के। ये देखो, पूरा यंकी लग रहा हूँ। तो बाकी बस अभी दिखाता हूँ, कैमरा फिर चल रहा है तो मैं क्या, चल बना लेते हैं। इसमें दिक्कत तो कोई आ नहीं रही है, कंघा लेके बाल कर रहा हूँ सेट में। तो चलो, बाकी बाहर हवन हो रहा है, आपको दिखाते हैं क्या आज कथा होगी। आज कथा की मैम की 7 डे है, 7 दिन की होती है, तो आज समाप्ति है। पहले हवन हो रहा है, फिर कथा स्टार्ट होगी, तो फिर उसके बाद भंडारा है, भंडारे के बाद समाप्ति है, तो उसके बाद चले जाएंगे हम घर अपने। तो आज अब आपको घर जाने का देखेंगे, इस ब्लॉग में आपको बता पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताएंगे आपको। तो ये हमारा अभी मोटू आ गया है इधर, ये नहाया नहीं है, तो बस आज मैं अभी दिखाता हूँ आपको। बाहर हवन चल रहा है अभी, हवन हवन कुंड में हवन करेंगे, है ना? नहीं, ये नहीं जाया जा कह रहा है, अभी दिखाता हूँ आपको गाइस। ये देखो गाइस, हवन चल रहा है इधर। तप कर रही थी, भगवान शिव जी नहीं मान रहे थे, देवताओं की भी इच्छा थी, क्योंकि द्वारका सुर नाम का राक्षस था, उसको मारने के लिए उसको ब्रह्मा जी ने वरदान देते हैं, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ये वरदान बहुत जल्दी दे देते हैं, इतना विचार किए हुए ये नहीं देखते हैं कि हम क्या होगा इसका परिणाम, उसको भोगना पड़ता भगवान विष्णु को, वो फिर देखते हैं कि कैसे इससे बचाया जाए। बस पंडित जी कोई कथा सुना रहे हैं शिव जी महाराज जी की, शिव जी जी की, तो वो कथा ब्रह्मा जी की और शिव जी की कथा सुना रहे हैं कोई, तो साथ में हवन हो रहा है। तो बस हवन के बाद अब कथा स्टार्ट हो जाएगी। भगत जी मुझे लग रहा अभी आए नहीं है, जो कथा करते हैं, बाकी सब आपको इस ब्लॉग में दिखता रहेगा, जो भी होगा आज सारा मैं दिखाऊँगा आपको। तो चलो चलते हैं अंदर, रेडी हो रहे हैं। मैं तो इधर कंघा लेने आया था, मेरे को कंघा नहीं मिल रहा था, इसलिए तो मैं कंघा लेने आया हूँ दोबारा। तो बाकी इसमें होता है क्या है कि बस मेरा ना सपना है कि इतना मेरे को वो होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, जॉब कर करके ना मेरे को जॉब एक जॉब नहीं की होगी मैंने, पता नहीं कितनी जॉबें की होंगी, मुझे 7-8 जॉबें की होंगी, मनपसंद नहीं आती है कोई जॉब, क्योंकि जॉब में होता है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, ठीक है, किसान का बेटा हूँ, तो मैं ना नीचे रह के काम नहीं कर सकता किसी के, जैसे कि ऊपर हो वो होता है उसमें, वो नहीं है, हम वो बात नहीं होती है, काम मैंने बहुत किया है। जो बंदा एक एक पाँव मालिक होते हैं, पता नहीं किस तरह के होते हैं, रूम माल डालते रहते हैं, तो चलो वही उसी में दिक्कत आती है। तो चलो आपको बाद में दिखाता हूँ, रेडी हो रहा हूँ अभी। गाइस मैं तो रेडी हो गया था अभी, तो मैं अभी खाने लगा हूँ रोटी, तो रोटी खा के मतलब कि बाहर कथा की शुरुआत हो गई है, मतलब कि आरंभ हो गई है कथा, तो बस मैं रोटी खानी है, मेरी रोटी बनी पड़ी है, मेरे को भूख बहुत ज़ोर से लग रही है, पता नहीं क्या सब्जी बनाई है, सुबह से रोटी बनी पड़ी है मेरी, तो बाकी देखते हैं क्या लेके आ रहे हैं रोटी में। तो चीकू भी रेडी हो गया है, पंकू भी रेडी हो गई, तो मैं भी रेडी हो गया, आ जा चीकू, आ जाओ। तो चीकू नहीं बैठ रहा है, गाइस बाहर कथा शुरू हो गई है, तो हम रेडी हो गए हैं सारे, तो मैडम भी रेडी हो गए हैं, देखो कैसे लग रहे हैं बताना आप कमेंट में। तो बाकी कथा बाहर चल रही है थोड़ी, कितने 2 घंटे चलेगी, हाँ 1 बजे तक चलेगी मुझे लग रहा है ना, 1 पता नहीं 2 बजे तक, लेट ही शुरू हुई है आज, 1 तो बज गया, वही 2-2.5 बज जाएंगे उसमें, तो फिर चलेगी। तो चीकू हमारा खेल रहा है, आपको दिखाता हूँ बाहर कथा चल रही है सारी। तो ये मैडम रेडी हो रहे हैं अभी, तो चलो चीकू खेल रहा है, वो देखो चीकू नहीं मानता किसी से बात, हवन हुआ था इधर, इधर हो रही है कथा। आगे राजा अधिक की, एक राजा अधिक हुए, वो रोज अपने जीवन का नियम था कि सुबह उठते ही पूजा पाठ करके गौ में दान करते थे। एक दिन क्या हुआ, जिस ब्राह्मण को गौ में दान की थी, क्या हुआ जी, गाय आ गई,
अगले दिन वही गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। वो पहले ब्राह्मण आ गया कि मेरी गाय मेरे को दो। बोले देखो अब उसको दे चुका हूँ, निर्णय करो किसको देना चाहते हो। राजा ने कुछ बोला चिकू, ऐसे ही चुप रहा, क्या करूं। उन्होंने श्राप दे दिया, ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि गिड़गिड़ा रहे हो, क्या बात है ना, जाओ तुम्हें योनि मिलेगी काहे की बला। कहते हैं राजनी ने कोटिश गाय नित दान कर संदिग्ध, तो उसको दे चुका हूं, निर्णय करो किसको देना चाहते हो। राजा ने कुछ बोला चिकू, ऐसे ही कथित चुप रहा, क्या करूं। उन्होंने श्राप दे दिया, ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि गिड़गिड़ा रहे हो, क्या बात है ना, जाओ तुम्हें योनि मिलेगी काहे की बला। कहती है राजनी ने कोटिश गाय नित दान कर संदिग्ध, गिरगिट जो ब्राह्मण ने कहा तरह क्या तो इसका तो है बाहर तो हमारे इधर बाकी देखो चल रहा। तो मैडम हाँ पीछे से रोशनी आ रही है इतनी, तो कट करना पड़ेगा। चलो बाकी देखते हैं, धीरे धीरे आपको दिखाते हैं। समाप्ति हो गई है जी, सारी समाप्ति हो गई है। हरी का मुंह देखो, हाँ देखो हाँ देखो, ये कड़ा रख के बैठा हुआ है, देखो कड़ा और पूड़ियाँ दोनों खा रहा है। तो हे गाइस, कल की समाप्ति हो गई थी, तो कल मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाया था, तो आज एंड मतलब की करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं नींद बहुत आ रही थी, कल सो गया था। तो बाकी सारी समाप्ति हो गई है, खाली टेंट रह गया ये उतारने वाला है, बाकी सब ये गेट गूट का जो होता है सजावट वो उतार के ले जाएगा, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। तो भी बढ़िया आ रही है ऐसे, तो अब सही आ रहा है, ये बाल निकला है ना, तो बाल निकल आए हैं। बस इसके बाद मैं जा रहा हूँ काम कहीं पे, तो बाद में आके मिलते हैं। तो ये ब्लॉग मुझे लग रहा है छोटा सा ही होगा, बाकी आपको मैंने सारा दिखाई दिया था कि क्या कंटेंट में, कि भागवत पूजा हवन सारा भंडारे का मुझे लग रहा नहीं मैंने दिखा पाया होगा, क्योंकि मैं लंगर सेवा करने लग गया था, तो इसमें मैं दिखा नहीं पाया। तो बस इसी में टाइम थोड़ा निकल गया मेरा, बाइक स्टार्ट है मेरी थोड़ी, बाइक कहते हैं कि जब स्टार्ट करो ना तो थोड़ी देर 2 मिनट तक उसको स्टार्ट रहने दो, फिर गियर डाल के चलानी चाहिए, तो बाकी ख़राब नहीं होती है जल्दी। तो बाकी बस अब मैं निकलने लगा हूँ, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में अब देखेंगे, जो दिखाना होगा आपको दिखेगा सारा कुछ। तो बाकी चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा लेना, जो आपको इस ब्लॉग पे अच्छे अच्छे चैनल ब्लॉग पे अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।